सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मे हैव और माइट हैव. तो मे हैव और माइट हैव जो है पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए. कैसी पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन. कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो गया रहेगा उसकी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम लोग मे हैव या फिर माइट हैव यूज करते हैं. ठीक है, पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं. ओके, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इज नाउन प्रोनाउन मे और माइट हैव. देन वी थ्री यूज होता है. देन देयर कैन बी ऑब्जेक्ट. देन देयर कैन बी एनी एक्स्ट्रा सेंटेंस. ये है क्या? ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब ट्रांसलेशन से सीखेंगे. ट्रांसलेशन कैसे होगा वो देखो. अब तक, वह अब तक विलेज पहुंच गया होगा. ऐसी क्या है? संभावना. ऐसी क्या है? पॉसिबिलिटी है. तो ऐसी पॉसिबिलिटी शो करने के लिए मे और माइट हैव यूज करते हैं. तो ही माइट हैव बोलो या फिर ही मे हैव बोलो, बात एक ही है. रीच्ड वी थ्री है ये, ठीक है. विलेज ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. बाय नाउ ये एक्स्ट्रा सेंटेंस है. अब तक, बाय नाउ मतलब अब तक, ठीक है, पहुंच गया होगा. ठीक है, और पॉसिबिलिटी बता रहा है ये, ऐसी संभावना है. वह शायद, बस शायद छूट गई होगी. द बस मे और माइट हैव लेफ्ट. ऐसी क्या है? पॉसिबिलिटी कि बस जो है वो छूट गई होगी. मुझे लगता है उसने किया होगा. तो आई थिंक ही माइट हैव डन दिस. ठीक है, शायद वह तुम्हें भूल गया होगा. तो ही माइट हैव फॉरगॉटन यू. तो ऐसी पॉसिबिलिटीज शो करने के लिए मे हैव या फिर माइट हैव यूज करते हैं. ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट? कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन शो करने के लिए मे हैव माइट हैव यूज करते हैं. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. थैंक यू वेरी मच.